जय हिंद दोस्तों, मैं अवरेंद्र यादव एक बार फिर से आप सभी को कैरियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में एक नए खुशखबरी के साथ वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और एससीसी एमटीएस की वैकेंसी का लंबे समय से आप सभी का वेट था, इंतजार था, तो समझिए कि वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। एससीसी एमटीएस के बारे में आज कंप्लीट आपको अपडेट देने वाले हैं और ये अपडेट जो पिछली वैकेंसी थी उससे हम रिलेट करके आपको बताएंगे ताकि आपको तैयारी करने में सहूलियत होगी और साथ में आपको ये भी पता चल पाएगा कि कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस बार की जो वैकेंसी रहने वाली है, एसएससी कैलेंडर जो जारी किया गया है उसमें सब आपको बताया गया है। पहले आपको हम एसएससी का कैलेंडर आपको दिखा देते हैं जिसमें आपसे कहा गया है कि 17 जनवरी 2022 से फॉर्म फिलअप होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आपको हम जो ऑफिशियल उसका कैलेंडर है उसमें आपको हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम फिर आते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर जो पीडीएफ देख रहे हैं वो एसएससी का ऑफिशियल कैलेंडर है जो 2023 और 2024 के लिए जारी किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों 2023 और 2024 के लिए जारी किया गया है। और अगर हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको यहां पे दिख रहा होगा 3 नंबर सेक्शन में कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022। तो इसके लिए देखिए आपको यहां पर बताया गया है कि 17 जनवरी 2023 ट्यूजडे से लेकर आपको 17 फरवरी 2023 तक इसका डेट अप्लाई करने का डेट होगा और एग्जाम डेट आपको संभावित अप्रैल 2023 में, संभावित है कि 2023 में आपका होगा। तो देखिए आपने दोस्तों आपने देख लिया कि ऑफिशियल कैलेंडर में आपको कहा गया है कि 17 जनवरी से एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और यह प्रक्रिया आपको चलेगा कब तक, तो ये चलेगा 17 फरवरी 2023 तक आपको चलेगा। तो ये तो रहा एसएससी एमटीएस 2023 के बारे में। जो पिछली वैकेंसी थी एसएससी एमटीएस का उसके बारे में हम आपको बताते चले कि वो वैकेंसी आई हुई थी 2020 में एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई हुई थी और उसका एग्जाम हुआ था 2021 में। 2020 में जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें टोटल आपको बताते चले कि टोटल 3972 सीट थे। इस बार की जो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है इसमें अप्रॉक्स लगभग आपको 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसी रहने वाली है। तो वैकेंसी की संख्या बहुत अच्छी खासी होगी और दो तरह के पद आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक तो इसमें पद होगा एसएससी एमटीएस का और दूसरा पद होगा एसएससी एमटीएस हवलदार का। तो दो तरह की इसमें पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। टोटल वैकेंसी 10,000 से भी अधिक रहने वाली है जो पिछली वैकेंसी से लगभग आपको 3 गुना होगी। तो काफी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी रहने वाली है। लेकिन आपको हम ये भी बताते चले कि जो पिछली वैकेंसी थी उसमें टोटल 45,35,071 छात्रों ने आवेदन किया था जबकि 15,72,955 छात्र एग्जाम में अपीयर हुए थे, जो आपका टीयर फर्स्ट होता है उसमें अपीयर हुए थे। और आपको हम बताते चले कि जो एसएससी एमटीएस 2020 की वैकेंसी थी उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था 8/5, देख सकते हैं दोस्तों 8/5/2022 को इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था। कट ऑफ की बात करें तो जो एसएससी एमटीएस 2020 का कट ऑफ जो गया था वो तो स्टेट वाइज जाता है। हम आपको बिहार से अगर आप अप्लाई करेंगे तो बिहार का कट ऑफ कितना गया था, स्टेट वाइज कट ऑफ बनता है, बिहार का अलग बनता है, यूपी का अलग बनता है, महाराष्ट्र का अलग बनता है। तो बिहार का जो कट ऑफ गया था दोस्तों पिछली वैकेंसी एसएससी एमटीएस में वो जनरल कैटेगरी का 94.29 ऐसे गया था, 100 नंबर का पेपर होता है उसी में आपको गया था, 100 में 94.29 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था। ओबीसी का कट ऑफ गया था 93.25 और एसटी का कट ऑफ गया था 89.35। हम केवल आपको एक रफ आइडिया दिए हैं कि कंपटीशन किस लेवल का है, आपको किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी तब जाके आपको सिलेक्शन होगा। इस बार की जो वैकेंसी रहने वाली है आपको बता ही दिए कि 17 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप होने का प्रक्रिया शुरू होगा। और कितना फी लगेगा, फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा तो कितना फी लगेगा, जनरल से आप हैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपको फी लगेगा, आपसे फी चार्ज किया जाएगा 100 रुपए, 100 रुपया आपको चार्ज किया जाएगा, 100 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी
ओबीसी वाले को 200 रुपया देना पड़ेगा। एससी एसटी या फिर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल है आप हैं, तो आपसे एक पैसा भी चार्ज नहीं किया जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट इसमें होता है दोस्तों 18 वर्ष, 18 वर्ष आप कम से कम होने चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो इस बार की जो वैकेंसी है उसमें दो तरह के पद है और दोनों के लिए मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर आप हवलदार पद के लिए जाएंगे तो उसके लिए मैक्सिमम एज 25 साल और एसएससी एमटीएस पद के लिए जाएंगे तो उसके लिए मैक्सिमम एज 27 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये जनरल के लिए, जनरल के लिए आप वही ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में आपको 5 ईयर्स का छूट मिलता है। ये आपको मिलता है ओबीसी वाले को 3 साल और एससी एसटी वाले को 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें मतलब कि आपको कम से कम कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो आप अगर 10वीं पास हैं, किसी भी बोर्ड से 10वीं पास हैं और इसमें मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप जो है 40% लाए हैं, 30% लाए हैं, कुछ भी लाए हैं, आप 80% लाए हैं, उससे कोई मतलब नहीं आप है, बस आप पास होने चाहिए 10वीं पास से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका होता है रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट आपका होगा, उसके बाद से आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और उसके बाद से आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपको बता दें कि जो आपका पहला पेपर होगा जिसको आप टायर वन बोलते हैं उसी के बेस पर बनेगा, और जो टायर वन होगा उसमें आपको आपको बताते चले दोस्तों कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होता है, टायर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होता है और 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होगा दोस्तों, और कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन और ये 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। टाइम इसके लिए मिलता है 90 मिनट, 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, लगभग आपको 1.5 घंटा हुआ, 1.5 घंटा आपका समय हो गया। निगेटिव 1/4 का होता है, 1/4 आपका निगेटिव रहेगा, निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 का होता है। क्लियर दोस्तों, अब इसमें देखिए दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा, मैथ का 25 नंबर का होगा, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जीएस से सब मिला उलाकर ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। अब तक का ट्रेंड यही है, अब तक जो पेपर होता आया है उसका ट्रेंड यही है। इस बार से हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, जैसे कि आपने देखा एसएससी जीडी में बदलाव हुआ है, एसएससी सीजीएल में बदलाव हुआ है, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल में आपको बदलाव देखने को मिला, तो जिस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं तो हो सकता है कि इस बार इसमें भी बदलाव हो, लेकिन जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 17 जनवरी को आ जाएगा तब आपको हम एक बार फिर से कंप्लीट जो भी बदलाव हुए होंगे उसके बारे में हम डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब तक का प्रोसेस यही चलता आ रहा है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 25 25 25 करके आपको 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन मैथ, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश आपका होता है। क्लियर दोस्तों, अब ये तो हो गया आपका सीबीटी टायर वन, तो ये सीबीटी टायर वन दोनों पद के लिए, एसएससी एमटीएस पद के लिए भी होता है और हवलदार पद के लिए भी होता है। अब जो बच्चे हवलदार पद के लिए अप्लाई करते हैं उनका अब डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, उनका होता है पीएचटी, उनका क्या होता है पीएचटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उनको डिस्क्रिप्टिव नहीं देना होता है, उनको देना होता है पीएचटी, पीएचटी आपको देना होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो जो हवलदार पद का अप्लाई करते हैं उनके लिए पीएचटी में क्या होता है कि 1600 मीटर आपको, 1600 मीटर आपको चलना होता है, वॉकिंग, वॉकिंग टहलना होता है 15 मिनट में। किन के लिए, तो जो मेल कैंडिडेट है, जो लड़के हैं उनके लिए। वही अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1 किलोमीटर चलना होगा कितने समय में, 20 मिनट में। वॉकिंग के बाद आपको साइकिलिंग करना होता है, साइकिलिंग, साइकिलिंग देखिए मेल के लिए 8 किलोमीटर है कितना मिनट टाइम मिलेगा, तो 30 मिनट। फीमेल के लिए 3 किलोमीटर है कितना समय मिलेगा, तो 25 मिनट। चेस्ट की बात कर लें तो चेस्ट केवल मेल का देखा जाता है कि आपका चेस्ट बिना फुलाए होना चाहिए 76 सेंटीमीटर और फूलने के बाद कम से कम 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, मतलब मिनिमम आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको हमने बता दिया हवलदार पद के लिए। हवलदार पद के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको टायर वन देना पड़ेगा और उसके बाद आपका पीएचटी होगा। लेकिन जो बच्चे एसएससी एमटीएस पद के लिए अप्लाई करेंगे उनका टायर फर्स्ट होगा, टायर फर्स्ट के बाद से आपका डिस्क्रिप्टिव होगा,
और आपको बता चुके हैं कि टायर फर्स्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव आपको जो होता है दोस्तों, ये आपका 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होगा, यहां पर हम लिखे भी हैं। और इसमें आपको जो है टाइम मिलता है 30 मिनट का। और आप हम ये क्लियर कर दें कि ये केवल क्वालिफाई करना होता है, ये आपको दोस्तों जो है क्वालिफाई करना है, ये क्वालिफाई करना होता है, ये आपको केवल पास करना होता है। इसमें जो आपको नंबर मिलेंगे वो आपके मेरिट में ऐड नहीं होगा। यानी कि आप टोटल देखेंगे तो 150 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है। टायर फर्स्ट आपका 100 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव आपका 50 मार्क्स का हो रहा है, लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा वो केवल और केवल आपका सीबीटी टायर वन जो आपकी 100 नंबर का होगा, उसी के बेस पर आपका मेरिट बनता है। मेरिट में आपके डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये केवल क्वालिफाई करना है। इसमें होता क्या है, तो आपको 100 टेस्ट लिखना होता है, ये लेटर लिखना होता है, 50 मार्क्स का पेपर होता है, केवल क्वालिफाई करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका पूरा हमने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि आप देख सकते हैं यहां पर कट ऑफ कितना गया था पिछली बार का। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, अगर पैटर्न में कुछ बदलाव नहीं होता है तो अब तक जो चला आ रहा है उसके बेस पर अगर सब चीज देखें तो हमने आपको बताने की कोशिश की है 100 मार्क्स का पेपर होगा और उसके आधार पर आपको जो है मेरिट बनता है। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना रहता है, कट ऑफ भी आपको हमने समझाने की कोशिश की है। तो इसके आधार पर आप ही एक अनुमान लगा के चल सकते हैं कि भाई आप को 100 में कितने नंबर लाने पड़ेंगे तब जाकर आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अच्छा देखिए, बिहार रीजन, बिहार मतलब कि बिहार वाले जो बच्चे हैं, बिहार से आप अप्लाई करते हैं तो आपका थोड़ा सा कट ऑफ जाता है, यूपी बिहार वालों का कट ऑफ जाता है। और अगर आप महाराष्ट्र उड़ा से अप्लाई करेंगे तो उधर वाले जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ, उधर से आप महाराष्ट्र से आप अप्लाई करते हैं तो उधर से आपको कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको कट ऑफ हर एक स्टेट का इतना ही जाता है, अलग अलग स्टेट का आपका अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो आप अपना पिछला जो है पिछला आपका रिकॉर्ड देख लीजिएगा, उसी के आधार पर आप जो है यहां पर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको कट ऑफ आपको कम जाए। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आप यहां से एक रफ आइडिया ले सकते हैं और 17 तारीख से आपको जो है फॉर्म अप्लाई होने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। आपको हम सैलरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सैलरी आपको लगभग 27,000 के आसपास आपको सैलरी बनता है। इसके साथ साथ जो आपका जॉब प्रोफाइल होगा, जॉब प्रोफाइल है तो इसमें देख सकते हैं कि SSC MTS का जो जॉब होता है ये ऑफिस के अंदर वाला जॉब होता है, जबकि हवलदार का जो जॉब होता है ये फील्ड वर्क होता है। फील्ड वर्क जैसे हवलदार मतलब क्या होता है, हवलदार का मतलब आप समझ रहे हैं पहरीदार होता है, पहरा करने वाला बंदा होता है, पहरी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फील्ड वर्क है जबकि ऑफिस के अंदर वाला जॉब है। तो टोटल आपको हम बता ही दिए, इसमें जो भी प्रक्रिया होता है सब आपको हम समझा ही दिए। उम्मीद है कि आपको बातें सब समझ में आ गई होगी, बाकी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। ओके बाय।